कांग्रेस का एक और इतिहास रहा है जिसकी बहुत चर्चा नहीं हुई है। आज के युवा तो ये भी नहीं जानते होंगे कि आजादी के बाद देश का पहला घोटाला कांग्रेस ने रक्षा क्षेत्र में ही किया था। तब से लेकर जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक उसने रक्षा सौदों में जमकर दलाली खाई, हजारों करोड़ के घोटाले किए। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक और बात सुनिश्चित की, कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि देश रक्षा साजो सामान के मामले में आत्मनिर्भर बने। वो सेना के लिए हर खरीद में कमीशन चाहती थी, अपने नेताओं की तिजोरी भरना चाहती थी। इस वजह से हमेशा हथियार खरीदने में देरी की गई। इसका नुकसान किसे हुआ? इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ हिमाचल की उस वीर माताओं को जिसने अपना बेटा मातृभूमि की रक्षा के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा था। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे हिमाचल की बहन बेटियों को हुआ, उन बहनों ने जिसने अपना भाई दुश्मन से मोर्चा लेने के लिए सीमा पर भेजा था। इसका नुकसान हिमाचल की हजारों महिलाओं ने उठाया, हजारों बच्चों ने उठाया। हथियारों में दलाली खाकर कांग्रेस ने कितनी ही जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है। मैं हिमाचल की किसी माता बहन बेटी के साथ यह अन्याय नहीं होने दूंगा। इसलिए आज भारत आत्मनिर्भर होने का अभियान चला रहा है, अपने हथियार खुद बनाने पर जोर दे रहा है,